हेलो आर्मी, आज की वीडियो होने वाली है जिमिन के लाइफ स्टोरी पर। हाँ, वही जिमिन जिन्हें स्कूल में फैट कहकर चिढ़ाया जाता था, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था। लेकिन एक टीचर ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, उन्हें मोटिवेशन दिया और आज वो हमारे साथ BTS के एक मेंबर बनकर है। वही फैट लड़का जिसे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया गया और बुली किया गया, अब उसे काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उसकी डांस की वजह से और उसकी एंजेलिक वॉइस की वजह से। चलिए आज हम आपको बताते हैं जिमिन की लाइफ स्टोरी, कैसे वो BTS में आए और कैसे उनके चार्मिंग पर्सनालिटी की वजह से और उनकी वॉइस की वजह से लाखों करोड़ों लोग उन्हें चाहने लगे। तो हमारे जिमिन का जन्म 13 अक्टूबर 1995 बुसान साउथ कोरिया में हुआ। अब हमारे जिमिन की फैमिली में उनका एक छोटा भाई और उनके मॉम डैड है और इन तीनों लोगों से जिमिन काफी ज्यादा क्लोज है। अब जिमिन को अपने बचपन में सॉकर खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और उन्हें अपने भाई के साथ एनिमीज भी देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो जिमिन ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है बुसान होडोंग एलिमेंट्री स्कूल और योनसान मिडिल स्कूल से। जब हमारे जिमिन यंग थे तो उन्होंने केडोन और मार्शल आर्ट भी सीखना शुरू किया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है मार्शल आर्ट में। और जिमिन ने मार्शल आर्ट को एनिमे शो से इंस्पायर होकर सीखा था, क्योंकि जिमिन को एनिमेज काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। उसमें भी खासकर जिमिन को जोरो ये एनिमी कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद था, जिसे देखकर हमारे जिमिन इंस्पायर हुए और उन्हें मार्शल आर्ट सीखना पड़ा। अब बात करते हैं जिमिन की पढ़ाई की। तो हमारे जिमिन क्लास में काफ़ी ज़्यादा कूल स्टूडेंट थे, जो कि स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे और उनकी टीचर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। और जिमिन को मैथ और साइंस ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। जिमिन अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे, जिसकी वजह से वो क्लास के टॉपर थे। अब हमारे जिमिन उनकी हॉबीज और उनके स्टडी पर इक्वली ध्यान दे रहे थे। लेकिन जब जिमिन 12 साल के हुए तो उन्होंने एक केपॉप आर्टिस्ट रेन को देखा, जिसकी वजह से उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि मुझे भी डांस में अपना करियर बनाना चाहिए। अब जब जिमिन ने रेन की परफॉर्मेंस को देखा था, उन्हें गाते हुए और डांस करते हुए देखा था, तो अब जिमिन को भी ऐसा लगने लगा कि मुझे भी एक केपॉप आइडल बनना चाहिए। और उन्होंने जस्ट डांस एकेडमी में अपना फॉर्म भरा और वहां से उन्होंने डांस सीखना शुरू किया। अब जब जिमिन को डांस की थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई तो जिमिन ने बुसान ऑफ आर्ट हाई स्कूल से अपने डांस को और प्रोफेशनल बनाने का सोचा। और अब जिमिन डांस में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके थे। तब उनके एक टीचर ने उन्हें नोटिस किया और उन्हें ये सजेशन दिया कि तुम्हें एक केपॉप आइडल बनने के लिए किसी एंटरटेनमेंट कंपनी में अपना ऑडिशन देना चाहिए। अब अपने टीचर के मुंह से ये बात सुनने के बाद जिमिन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने ऑडिशन देना शुरू किया। ऐसे ही वो ऑडिशन देते देते बिग हिट एंटरटेनमेंट तक पहुँचे और उन्होंने बिग हिट में अपना ऑडिशन दिया। अब ऑडिशन देने के बाद वो एज अ ट्रेनी ज्वाइन हो गए और अपनी ट्रेनिंग को काफ़ी अच्छे से पूरा किया और उसके बाद एज अ BTS मेंबर उन्हें लिया गया और BTS ग्रुप ने 13 जून 2013 को अपना डेब्यू किया नो मोर ड्रीम्स सॉन्ग के साथ। तो ऐसा नहीं था कि हाँ उन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब यहाँ से तो उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उस समय उनके फैंस इतने ज़्यादा नहीं थे। और अब हर एक आर्मी को पता होगा कि BTS ने कितने मुश्किलों से अपना बॉय बैंड नंबर 1 पर लाया है। अब उनका फर्स्ट सॉन्ग नो मोर ड्रीम्स ये तो रिलीज हो चुका था, लेकिन उनके यूट्यूब पर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, ना उनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स और फैन थे। लेकिन ना ही जिमिन ने हार मानी और ना ही BTS मेंबर्स ने हार मानी। उन्होंने एक दूसरे के सपोर्ट के साथ आज BTS को इतना मैसिव और वर्ल्ड वाइड बॉय बैंड बना दिया है। सो आर्मी, यही थी हमारे जिमिन की छोटी सी लाइफ स्टोरी, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उनके हार्डवर्क ने उन्हें पे किया और आज वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। सो आर्मी, यही थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और सारंगे।